फिलहाल दोस्तों मैं इस जामुन खोखली का टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए, दो पीस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्तों, तो मैं आज आपको जैसे कि छोटा मोटा ब्लॉग बनाता रहा दोस्तों, तो आज स्पेशली आप लोग का कमेंट आया था दोस्तों कि जाम खोखड़ी कैसे बनाया जाता है, उसका भी वीडियो बनाइए एक। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में मुझे लगता है कि जाम खोखड़ी कैसे बनाया जाता है उस चीज़ को दिखाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बन रहे वीडियो में और देखते रहिए कि जाम खोखड़ी को कैसे बनाया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इंतजार कीजिए। फिलहाल दोस्तों ये पकल मुड़ी है मेरी मम्मी, और ये बड़ा सा है जामुन खोखड़ी। और आज हम लोग जो वर्क कर रहे हैं दोस्तों, अभी भी मुझे लगता है कि 5-6 दिन से यही खोखड़ी खा रहे हैं। खीरे कर रही है, कल भी खा दे, आज भी खा दे, परम दिन खा दे, नरम दिन, अरे कितना खा रहा है, लाइन हो गया है। और इसको सबसे पहले दोस्तों खोखड़ी घर ले कर आया जाता है, झोला या थैला में हम लोग वैसे देखिए प्लास्टिक में डाल के लाए हैं। आप लोग चाहें तो झोला भी ले जा सकते हैं, चाहें तो ऐसे छोटा सा प्लास्टिक ले जा सकते हैं, और चाहे तो अपने कपड़ा में थैला बना के भी ला सकते हैं। ऐसे बहुत सा प्रोसीजर है दोस्तों लाने का और ले जाने का, क्योंकि और एक ठी पत्तल का बनता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं खाला बना के भी ला सकते हैं दोस्तों इसको। लेकिन मम्मी लोग लेकर आए थे इस प्लास्टिक में, ये देखिए। और अभी मम्मी इसका कटिंग कर रही थी, पहले नीचे दोस्तों पड़ता है बालू, तो उसको मम्मी छांट के निकाल ले रही है कि नीचे में जितना ही बालू था, दिखाते रह जाऊँगा दोस्तों। ये इसमें रहता है बालू, इसमें तो हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें रहता है बालू, तो इसको साफ करने के बाद इस बर्तन में डाल रही है, फिर उसको छोटा छोटा बारीकी से काट लिया जाएगा, उसको भी देखूँगा दोस्तों। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, साफ सफाई वाला काम चल रहा है। फिलहाल दोस्तों ये जो खोखड़ी है इसको कटिंग करके छोटे छोटे बारीकी से किया जा रहा है, पनीर का लुक दिया जा रहा है। तो बोले तो पनीर काटते हैं जैसे वैसे छोटे छोटे इसको कटिंग करा देंगे, और उसके बाद इसमें पानी डाला जाएगा ताकि इसमें जो भी बालू वालू होगा वो नीचे बैठ जाए और ये ऊपर उपल जाए, क्योंकि ये है जाम खोखड़ी। जाम खोखड़ी रहता है हल्का, ये फफूंद है दोस्तों, फफूंद इसको कहते हैं, फफूंद एकदम फोसको रहता है दोस्तों, लेकिन खाने में मज़ा आता है ये। आप लोग कितने लोग को जामुन खोखड़ी पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। जय बारीकी से काटा जा रहा है, इसे कटिंग करने के बाद इसमें पानी डाला जाएगा और दो बार पानी डाला जाएगा ताकि इसमें का थोड़ा थोड़ा जो धूल उल रहता है दोस्तों, जैसे कि इसमें देखिए ये बालू का जो भी, ये देखिए बालू है इसमें, तो ये निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, पानी पड़ेगा तो साफ़ हो जाएगा। और साफ होगा उसके बाद कढ़ाई की ओर जाएंगे। तो फिलहाल अभी इंतज़ार करते दोस्तों इसका कटिंग का, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा धोने वाला होगा उसको दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को सीधा कढ़ाई की ओर ले जाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो में देखते रहिए। ये है दोस्तों जाम खोखड़ी जिसे पानी में भिगो दिया गया, देखिए इसको चिपने के बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उसको दिखाऊंगा। फिलहाल दोस्तों एक बार धो लिया गया, फिर दूसरा बार धोएंगे तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा उसको दिखाता हूँ। फिलहाल दोस्तों अभी समय है 7:20 और मुझे लगता है कि मेरा घर में शाम का सब्जी बन रहा है, ये खोखड़ी का सब्जी। अभी इसका प्रोसीजर चलेगा दोस्तों, इसको चिपने के बाद इसको इस बर्तन में डालेंगे, जो कैसा होगा उसको दिखा रहा हूँ।
ये है दोस्तों जसपुरिया स्टाइल कुकड़ी तेन खाना में। और अभी कुकड़ी का सीजन चल रहा था तो सबके घर में कुकड़ी, सबके घर में तो नहीं लेकिन जो जो खाते हैं उनके घर में कुकड़ी अभी मिलेगा ही मिलेगा। कुकड़ी पोटू मिलना तय है अभी। और ये बुद्ध से धुल के हेड में आ चुका है और इस बर्तन में डाल दिए हैं। अब इसका प्रोसीजर होगा दोस्तों गैस की टंकी में, तो फिलहाल दोस्तों बने रूप में देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों ये कढ़ाई लिए और इस कढ़ाई में हमने तेल डाला और तेल डालने के बाद मिर्चा डालेंगे दोस्तों। मिर्चा डाल दिए, इसके बाद डालेंगे दोस्तों प्याज, ये रहा प्याज। उसके बाद अब डालेंगे दोस्तों कुकड़ी को। फिलहाल दोस्तों कुकड़ी डल गया है इस कढ़ाई में, अब इसको भूंजा जाएगा कुछ समय दोस्तों, भूंजा जाएगा कुछ घंटे के बाद मिलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इस कुकड़ी के ऊपर नमक डाल रहे हैं ताकि ये नमक पड़ते ही थोड़ा सिकुड़ जाए और बुझाने में हम लोग को हेल्प मिले। धीमी आग में दोस्तों इस कुकड़ी को पकाया जा रहा है। देखिए अभी नमक डाल दिए हैं तो एक कुकड़ी थोड़ा सिकुड़ जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पर आम का जो रखा हुआ है दोस्तों सुखाया हुआ, इसको डालेंगे इस कुकड़ी में। इसमें आप लोग हल्दी मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन हम लोग एकदम पूरी तरह से देसी तरीके से बना रहे हैं, या हल्दी मसाला डालना नहीं है, बस तेल डालना है और उसके बाद इसको भून देना है। ऐसे तो सिचुएशन बना रहे हैं क्योंकि हम लोग को लगा कि जो देसी तरीका दोस्तों उसी तरीका को यूज करें। यूज करना तो चूल्हा बनाना ज़्यादा सही रहता लेकिन हमें लगा कि समय का बचत होगा इसलिए इसी में बना रहे हैं दोस्तों। नहीं तो वहाँ पर चूल्हा है उसमें ही बना सकते हैं लेकिन वहाँ चूल्हा फूकने वाला काम होता है इसलिए थोड़ा सा हम लोग का समय का बचत होगा बन के इसमें बनाया जा रहा है। और अभी ये अपना पानी छोड़ रहा है दोस्तों देखिए, और पूरी तरह से ये कढ़ाई बह जाएगा और ये पानी जब सूखेगा दोस्तों तब तो ये कुकड़ी पूरी तरह से पकने वाला सिचुएशन बन आ जाएगा। और अभी इस आम का टुकड़ी को डालेंगे इसमें, वो इसलिए डालें दोस्तों क्योंकि वो अपना टेस्ट बढ़ाएगा। हम लोग इसमें टमाटर भी डाल सकते थे लेकिन आम का टेस्ट कुछ अलग ही लेवल का आता है इसलिए हम लोग उस आम को डालें और इस खोपड़ी में टेस्ट लाने के लिए उस आम का यूज किए। तो फिलहाल दोस्तों इस पानी का सूखने का इंतज़ार करते हैं और फिर पूरी तरह से पक जाएगा सब्जी। फल दोस्तों पूरी तरह से ये पक चुका है, देखिए लाल दिख रहा है और इसका जितना का पानी था दोस्तों पूरी तरह सूख गया है। ये है दोस्तों अब तैयार हो चुका है इसमें, अब इसे खाएंगे और कैसा लग रहा है इसको मैं आपको बताऊंगा। फिर इस वीडियो का करता हूँ तो फिलहाल दोस्तों में देख रही है। फिलहाल दोस्तों मैं इस जामुन खोखड़ी का टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए दो पीस। फिलहाल दोस्तों मैं इस जामुन खोखड़ी का टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए दो पीस।
यहाँ जमीन छोड़ देता हूँ और मैं इसका टेस्ट करके बताता हूँ। लजीज मस्त लगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया टेस्ट आ रहा है। आप लोग कौन कौन से प्रोसीजर से बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं देसी तरीके से बना कर दिखाया और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को। फिलहाल में चट कर गया दोस्तों। मजा आ गया, थोड़ा सा नहीं तो ज़्यादा खा लेता हूँ। देखिए उकड़ी। फिलहाल दोस्तों अब इस वीडियो का अंदर होता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।